सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस अभी मैं आया हूँ प्रांतिज के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैवलिंग प्लेसेस है। काफ़ी धार्मिक प्लेस है ये, एक माता जी का मंदिर है यहाँ पर। सो काफ़ी बेहतरीन है, आप देख सकते हो, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। और सबसे बेहतरीन तो इस वजह से लगता है क्योंकि इसके जस्ट पीछे में ही आप देख सकते हो, ये जो है एक तालाब है, इसके जस्ट पीछे में पड़ता है, बहुत से लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। सो काफ़ी बेहतरीन गाइस। तो चलिए मैं अभी मंदिर में भी आपको दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि देवी देवता हैं यहाँ के पौराणिक। और ये यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं बैठने के लिए। सो गाइस काफ़ी बेहतरीन व्यू है यहाँ का, यू कैन सीट श्री महाकंडेश्वर महादेव प्रांतिज। सो गाइस काफ़ी बेहतरीन मंदिर है, आप देख सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर में। और ये है इधर में जाके परिक्रमा मार्ग, सो काफ़ी बेहतरीन। उसके बाद आता है ये तालाब आपका, और उसके बाद है वो छत्रसाल मंदिर, सो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बैक साइड में आपको दिखाई देता है वहाँ पर। सो बहुत ही शानदार है यहाँ का लोकेशन। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे वॉचिंग। और यहाँ पर एक और लोकेशन है, यहाँ पर पास ही में एक पार्क भी है, वो भी मैं आपको लेके चलूँगा। यू कैन सी आउट दिस, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ व्यू, यू कैन सी इट। ये बनी हुई यहाँ पर सीढ़ियाँ। सो गाइस ये देख सकते हो गुजराती में लिखा हुआ है महाकंडेश्वर महादेव मंदिर, सो काफ़ी बेहतरीन है। और चलिए मैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो पार्क है बाल वाटिका, सो काफ़ी बेहतरीन है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बाल वाटिका। सो ये यहाँ पर है गार्डन बच्चों के लिए खेलने के लिए, चलिए ये भी घुमा देते हैं। सो थोड़े बहुत जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए खेलने के लिए यहाँ पर ये गार्डन बनाया हुआ है, यू कैन सी इट। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आई होप मैं आपको खेल के दिखाऊंगा। और ये लगा हुआ है यहाँ पर एक झूला। चलिए चलते हैं फिर। अभी यहाँ पर एक और मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। सो चलिए दिखाता हूँ। तो हनुमान जी तो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं, यू कैन सी इट, हनुमान जी का मंदिर। सो आई होप सो मुझे उधर जाने से पहले चप्पल उतारने होंगे, तो चलिए चलते हैं शूज उतार के। यू कैन सी इट, जय हो प्रभु। सो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, यहाँ पर हवन पूजन भी होते हैं, सो काफ़ी बेहतरीन व्यू है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की कुछ लोकेशंस और। सो चलिए चलते हैं। सो ये था हमारा हनुमान जी का मंदिर। सो गाइस उम्मीद है आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। प्रांतिज का ये जो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर है, मैंने आपका पूरा एक्सप्लोर कर दिया। सो होप यू कनेक्टिंग दिस होली प्लेसेस, बहुत ही धार्मिक प्लेस है ये, यू कैन सी मार्कंडेश्वर महादेव प्रांतिज। और चलिए चलते हैं आगे में, आप देख सकते हो ये यहाँ पर पार्किंग का एरिया है, और उसके बाद वो वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बना है, काफ़ी बेहतरीन लगता है दिखने में। तो हमारी बाइक जो है वो वहाँ पर पार्क है, यू कैन सी इट। यहाँ पर लोगों के बैठने की सीट है, बट यहाँ पर कुत्ते बैठे हुए हैं, यू कैन सी इट। नहाने के लिए आप देख सकते हो वो जो है वहाँ पर नहा रहे हैं वो अंकल, गजब। डर लगता है कि कहीं ज़्यादा गहरे पानी में ना चले जाएं। सो कैन सी इट, तो अभी हम लोग चलते हैं वापस। कैन सी इट, काफ़ी बेहतरीन व्यू है यहाँ का। ये भी है यहाँ पर एक मंदिर। सो बाय बाय। सो काफ़ी बेहतरीन रही होगी आपकी आज की ये ट्रिप। सो चलिए चलते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे वॉचिंग, थैंक्स।